हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर। तो देखिए, आज हम आपसे बात करेंगे कार्डियक मसल के एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको इस पूरे के पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, इस चार्ट को जो एक ग्राफ बना रखा है कि बेसिकली ये ग्राफ बनता कैसे है या फिर ये ग्राफ बोलना क्या चाहता है। तो देखिए, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कि इस ग्राफ को आप थ्योरी में कैसे लिख के आए। ओके, मतलब अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको एक तो एक ग्राफ बनाना है, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी लिखनी है कि कौन से आयन अंदर बाहर इनफ्लक्स आउटफ्लक्स हो रहे हैं। ओके, तो देखिए, वही बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे है, दिस इज -90 मिली वोल्ट। ओके, देखिए, इसकी दो एक्सिस है, दिस इज फॉर मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड दिस एक्सिस फॉर टाइम। ओके, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस में है? मिली वोल्ट में। तो देखिए, -90 मिली वोल्ट, दिस इज, ये क्या है? दिस इज RMP, रेस्टरिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल। ओके, अब देखिए, -90, माइनस का मतलब है कि अगर ये कोई मसल है तो इसके इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, इसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो नेगेटिव मतलब मसल फाइबर के अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए, ये नेगेटिव धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हमें इसे ऐसे पढ़ना है। आपको पता हो तो पूरे चार्ट को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज 0 फेज, दिस इज फर्स्ट फेज, दिस इज सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। ओके, अब देखिए, वही देखिए, ये सारा हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम एक बार क्विकली देख रहे हैं ताकि इस वीडियो को समझने में हमें आसानी हो। ओके, तो देखिए, ये 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सॉरी, नेगेटिव से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव से कहाँ ऊपर, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो -90 मिली वोल्ट था, फिर -80 हो गया, -70, -10, देन 0, 0 के ऊपर, फिर ये पॉजिटिव चला गया। अब देखिए, मतलब अंदर का चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, अंदर का चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब कोई पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स कर रहा है। श्योर सी बात है ना, कोई पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स कर रहा है, तभी तो अंदर का नेगेटिव कैंसिल होगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए, इस फेज के ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग 0 फेज, इसमें क्या होता है? सोडियम प्लस, सोडियम प्लस का क्या होता है? इनफ्लक्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Na प्लस का क्या होता है? इन। सोडियम प्लस मसल के अंदर इंटर करता है, जिससे क्या होगा, अंदर का नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हुआ। उसके बाद क्या होता है, देखिए, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, वापस ये पीक लेवल पे पॉजिटिव हो गया, देन पीक लेवल पे पॉजिटिव होने के बाद वापस अंदर का चार्ज नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, एकदम रेपिडली फॉल हुआ, देखिए आप, रैपिड हुआ या स्लो हुआ? रैपिड स्लो किस बेस पे बोलते हैं? स्लोप के बेस पे। देखिए, यहाँ पे स्लोप कितनी ज़्यादा है, देखिए ना, कितनी स्लोप ज़्यादा है। अगर स्लोप कुछ ऐसी होती, मतलब स्लोप कम है, स्लोप कम है, मतलब दिस इज स्लो फॉल, लेकिन यहाँ पे इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है, मतलब रैपिड फॉल हो रहा है। किस में फॉल हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज पीक लेवल से एकदम रैपिडली नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब क्या कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो इससे हमें क्या आइडिया होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब कोई नेगेटिव या तो अंदर आ रहा है या फिर कोई पॉजिटिव बाहर जा रहा है। दो बात हो सकती है ना, अंदर हमें नेगेटिव करना है, अंदर नेगेटिव कैसे करेंगे? या तो कोई नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है या कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, दोनों का फाइनली रिजल्ट क्या होगा? अंदर की तरफ नेगेटिव होगा। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पोटेशियम प्लस का ई फ्लक्स, मतलब इसमें पोटेशियम प्लस आउट, मतलब मसल के बाहर की तरफ जाता है। अब देखिए, अगर पोटेशियम मसल के बाहर की तरफ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा? बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ ज़्यादा होगा तो बेसिकली अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और हमें वही करना है। देखिए ना, रैपिड फॉल हो रहा है, मतलब नेगेटिव अंदर ज़्यादा आ रहा है। देन सेकेंड फेज में क्या है, मतलब सेकेंड फेज में भी अंदर नेगेटिव बढ़ रहा है, बट स्लो रेट से बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे एकदम फास्ट बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्लो, स्लो मतलब प्लेक फेज, मतलब इस फेज टू को बोलते हैं हम प्लेक फेज, दिस इज प्लेक फेज। प्लेक फेज क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जो नेगेटिव है वो स्लो स्लो मतलब बहुत ही कम रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन रेट कम है। तो बेसिकली इसका प्लेक फेज का रीजन क्या है? इसका रीजन है कैल्शियम प्लस का, कैल्शियम प्लस टू का क्या होगा? इनफ्लक्स। ओके, लेकिन कैल्शियम प्लस टू आपको पता हो तो दिस इज वेरी स्लो, मतलब बहुत ही स्लो मूवमेंट करते हैं, और पोटेशियम प्लस का क्या होगा? आउटफ्लक्स। ओके ओके, अब देखिए, बहुत कॉमन सी बात है,
सोडियम प्लस अंदर आ रहा है और पोटेशियम प्लस बाहर जा रहा है, ओके, तो किस फेज के अंदर होगा? सेकंड फेज के अंदर। देन थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज में क्या होता है? पोटेशियम प्लस का आउटफ्लक्स होता है। अब देखिए, पोटेशियम प्लस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, ओके। देखिए, हमने इंसानों के आयनों की आउट गोइंग इनकमिंग देख ली। फर्स्ट में क्या होगा? सोडियम प्लस इन्फ्लक्स करेगा। इसमें क्या होगा? जीरो फेज में सोडियम प्लस इन्फ्लक्स, सॉरी, जीरो फेज में क्या होगा? सोडियम प्लस का इन्फ्लक्स होगा। फेज फर्स्ट में पोटेशियम प्लस का आउटफ्लक्स होगा। सेकंड फेज में प्लेग फेज कहते हैं। प्लेग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ही स्लो, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बहुत ही स्लो चेंज होता है, स्लो चेंज होता है, इसीलिए इसे प्लेग बोलते हैं। इसमें क्या होगा? कैल्शियम प्लस इन्फ्लक्स, कैल्शियम प्लस का टू का इन्फ्लक्स होगा और पोटेशियम प्लस का आउटफ्लक्स होगा। देन फेज थर्ड में क्या होगा? पोटेशियम प्लस का आउटफ्लक्स, ओके। अब देखिए, इस सारे डायग्राम को थ्योरेटिकली देखते हैं, तो देखिए वही हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट कौन सी? दिस इज सबसे नंबर वन होगी हमारी एट रेस्ट। रेस्ट फेज में क्या होगा? रेस्ट फेज में वही जो मेम्ब्रेन होगी वह किस पे होगी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होगी। और आरएमपी कितना होता है? -90 मिली वोल्ट। इसमें नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है? नेगेटिव इनसाइड, ओके, नेगेटिव इनसाइड विद रेफरेंस टू आउटसाइड, विद रेफरेंस, मतलब हम आउटसाइड के रेफरेंस में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब किसके वैल्यू पे, हमने किस बेसिस पे इसको नेगेटिव बोला? बाहर के बेसिस पे। अगर बाहर बाहर पॉजिटिव, बाहर मतलब नेगेटिव कम है, उसी लिए हमने अंदर बोला कि अंदर नेगेटिव ज़्यादा है, विथ रेफरेंस टू आउटसाइड, ओके। देन फर्स्ट फेज होगी, इसके बाद आते हैं सेकेंड फेज पे। सेकेंड फेज होती है ऑन स्टिमुलेशन। कि हम जब मसल को स्टिमुलेट करते हैं तब क्या होता है? देखिए, स्टिमुलेशन में कुछ नहीं है। स्टिमुलेशन में बेसिकली हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती है। तीन क्या होता है? सबसे पहले होगा हमारा रैपिड डीपोलराइजेशन, देन रिपोलराइजेशन, एंड देन होगा हमारा वापस पोलराइजेशन स्टेप, ओके। मतलब स्टिमुलेशन में हमें तीन स्टेप देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली स्टेप होगी हमारी, जब हम कार्डियक मसल को स्टिमुलेट करते हैं तो हमें तीन फेज मिलती है। सबसे पहली होगी हमारी रैपिड डीपोलराइजेशन। रैपिड क्यों बोला? देखिए ना, रैपिड का मतलब है कि स्लोप बहुत कम है। देखिए ना, अगर ये देखिए यहाँ पे, तो स्लोप तो देखिए कितनी स्ट्रेट है। स्लोप का मतलब होता है, अगर हमने किसी बंदे को यहाँ पे बिठा दिया तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा है। अगर स्लोप कुछ इतनी होती तो यहाँ किसी बंदे को बिठाया तो वह यहाँ नीचे आने में बहुत सारा टाइम लेगा, मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा है, ओके, सॉरी, स्लोप बहुत कम है। इस पोजीशन में स्लोप बहुत कम है, इस पोजीशन में स्लोप बहुत ज़्यादा है। स्लोप बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत ही रैपिड काम होगा, बहुत ही इंस्टेंट काम होगा। तो देखिए, फर्स्ट वाली देखिए ना, जीरो फेज, ये क्या है? बहुत ही, देखिए स्लोप कितनी ज़्यादा है, तो जो भी काम होगा वो क्या होगा? बहुत ही रैपिड होगा। इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ रैपिड डीपोलराइजेशन। TION, ओके, तो दिस इज रैपिड डीपोलराइजेशन, ओके। रैपिड डीपोलराइजेशन बेसिकली किस फेज में होता है? ये होता है हमारे फेज फर्स्ट, फेज जीरो में। रैपिड डीपोलराइजेशन वाली फेज कौन सी है? मतलब जो पांच फेज है ना, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तीन पार्ट कौन से? रैपिड डीपोलराइजेशन, एक होगी रिपोलराइजेशन, एक होगी पोलराइजेशन, ओके। तीन फेज में डिवाइड किया है इन पांचों फेज को, मतलब इन पांचों फेज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, यूँ समझ लीजिए। फेज जीरो होगा, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सोडियम प्लस का इन्फ्लक्स, ओके, सोडियम प्लस इन्फ्लक्स होगा। देखिए, आपको पता हो जो सोडियम VGC होते हैं, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, तो सोडियम इन्फ्लक्स होगा बहुत ही फास्ट, फास्ट होगा, तभी तो हमने यहाँ रैपिड लिखा है, ओके। तो हमने स्टिमुलेशन के टाइम तीन स्टिमुलेशन देते टाइम, मतलब जब भी हमने किसी कार्डियक मसल को स्टिमुलेशन दिया और हमने तीन फेज, तीन स्टेप फॉलो की। फर्स्ट हो गई, देन सेकंड होगी, सेकंड क्या होगी हमारी? रिपोलराइजेशन।
ओके अब रिपोलराइजेशन है, देखिए इसके अंदर आती है तीन फेज, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड। जीरो फेज कहाँ पे है? रैपिड डीपोलराइजेशन में। रिपोलराइजेशन में है फेज जीरो, सॉरी फेज फर्स्ट, इसके अंदर आएगी फेज सेकंड एंड फेज थर्ड। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज तीनों के तीनों आती है रिपोलराइजेशन के अंदर। फेज फर्स्ट में क्या होता है देखिए, फेज फर्स्ट में आपको अपने ग्राफ से दिख ही रहा होगा क्या होता है, रैपिड इनिशियल फॉल, रैपिड इनिशियल, initial, रैपिड इनिशियल फॉल, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना रैपिडली हो रहा है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फेज यही तो है, देखिए कितना रैपिड हो रहा है। स्लोप देख लीजिए, स्लोप कितनी ज़्यादा है, तो रैपिड बोला, स्लोप ज़्यादा मतलब रैपिड फॉल। क्यों हुआ? इसके रीजन है दो, सोडियम प्लस का क्या हुआ, सॉरी पोटेशियम प्लस का क्या हुआ, इफ्लक्स। सोडियम प्लस का हुआ इफ्लक्स, और क्या हुआ, सोडियम के जो देखिए जो फास्ट सोडियम प्लस के, जो सोडियम प्लस के वीजीसी है जो वो बहुत ही फास्ट होते हैं, वो यहाँ पे क्या हो गए, बंद हो गए। तो सोडियम चैनल, सोडियम के चैनल क्या हो गए, क्लोज हो गए। ओके तो ये पूरा का पूरा किसने मेंटेन किया, मतलब रैपिड इनिशियल फॉल किसके कारण हुआ, पोटेशियम प्लस के ई फ्लक्स के कारण। तो दो चीज़ें मिली कहाँ पे, फेज फर्स्ट में। सेकंड फेज देखिए इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, प्लेट्यू फेज। तो PLATEU, दिस इज प्लेट्यू फेज। प्लेट्यू फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्लो है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉल स्लोली। प्लेट फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉल स्लोली, इसी के कारण SLOWLY। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो बहुत स्लोली फॉल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्लेक फेज। क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या खुलते हैं, पोटेशियम सॉरी कैल्शियम प्लस आयंस का इनफ्लक्स होता है, और कैल्शियम प्लस के जो आयंस के जो गेट होते हैं, मतलब जो कैल्शियम प्लस का जो इनफ्लक्स होता है वो बहुत ही स्लोली होता है। तो इसमें कैल्शियम प्लस टू क्या होंगे, इन मतलब इनफ्लक्स होगा, और पोटेशियम प्लस का क्या होगा, आउटफ्लक्स होगा। देखिए मैं ये यहीं से लिख रहा हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, देखिए ना सेकंड फेज में क्या लिखा था, पोटेशियम अंदर आएगा सोडियम बाहर, सॉरी कैल्शियम अंदर आएगा पोटेशियम बाहर जाएगा। तो देखिए वही लिखा है, कैल्शियम अंदर पोटेशियम बाहर। फर्स्ट में क्या लिखा था, पोटेशियम आउट। तो देखिए फेज फर्स्ट में पोटेशियम इफ्लक्स मतलब आउट। जीरो फेज में क्या लिखा था, सोडियम इन। तो देखिए दिस इज जीरो फेज, सोडियम का हमने इनफ्लक्स कर दिया। तो इन दोनों के कारण मतलब कैल्शियम प्लस टू आयंस की जो चैनल होते हैं वो बहुत स्लोली होते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला प्लेक फेज। देन आते हैं फेज थर्ड पे, फेज थर्ड में क्या होता है, रैपिड फॉल। अब देखिए रैपिड क्यों लिखा, देखिए ना यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, देन स्लोप सॉरी स्लोप बहुत ज़्यादा है, देन स्लोप कम हो गई, देन स्लोप बहुत ज़्यादा हो गई, तभी तो बोला दिस इज फर्स्ट फेज, दिस इज सेकंड फेज एंड दिस इज थर्ड फेज। फर्स्ट एंड थर्ड फेज में स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने रैपिड लिखा। सेकंड फेज में बहुत ही कम स्लोप है, इसीलिए हमने इसको प्लेक फेज बोला। तो देखिए फर्स्ट में रैपिड और थर्ड में भी हमने रैपिड फॉल बोला। रैपिड फॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम फ्लक्स, पोटेशियम प्लस आयन का क्या हो रहा है, ई फ्लक्स, पोटेशियम प्लस आयंस का ई फ्लक्स हो रहा है, इसी कारण इसमें, इसी कारण फेज थर्ड में क्या हुआ, रैपिड फॉल। ओके इससे क्या होता है, अब देखिए ये पोटेशियम फ्लक्स सॉरी पोटेशियम प्लस आयंस का ई फ्लक्स हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इसे देखिए यहाँ पे क्या था, आरएमपी था, आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो देखिए धीरे धीरे आपको लग ही रहा होगा कि अंदर का नेगेटिव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है,
फर्स्ट फेज में बड़ा, सेकंड में बड़ा लेकिन कम बड़ा, थर्ड में भी बड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा, एंड फोर्थ में आते आते तो जो आरएमपी था, जो हमारे पास स्टार्टिंग में था, वो हमने दोबारा गेन कर लिया है। कहाँ पे गेन कर लिया है? फोर्थ फेज के अंदर। मतलब क्या कि थर्ड फेज ये किसमें किस लिए, मतलब फेज थर्ड क्यों हो रही है? क्योंकि हमें आरएमपी चाहिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम बैक। देन इसके बाद देखिए, हमने बोला था तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टिमुलेशन के बाद हम तीन पार्ट में बढ़ते हैं। तीन पार्ट में कौन से? रैपिड डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड सी वाला होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बोल दीजिए या बोल दीजिए रेस्टिंग फेज, मतलब आरएमपी वाली, जहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन होता है, तो पोले RIZA पोलराइजेशन स्टेट। तो देखिए नंबर सी में आएगा पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी कार्डियक मसल फाइबर है वो अपने आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगेन गेन कर लेते हैं। यहाँ पे था, इतना घूम के आया, देन इसने वापस आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को गेन कर लिया। तो दिस इज रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज मतलब ये चार्ज्ड है, कोई मोमेंट किधर भी मोमेंट नहीं हो रहा, बस चार्ज है और रखी हुई है, इसीलिए बोल दिया चार्ज है और रेस्ट है, तो दिस इज रेस्टिंग फेज। और इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन, इस फेज के ड्यूरिंग हम आरएमपी को वापस गेन कर लेते हैं। और इसके अंदर कौन से फेज आती है? इसके अंदर फेज आती है फेज फोर। ओके, तो देखिए सारी फेज हमने पढ़ ली, पांचों के पांचों फेज। फेज जीरो किसके अंदर इंक्लूड है? डीपोलराइजेशन के। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फेज किसके अंदर इंक्लूड है? रीपोलराइजेशन के। एंड फेज फोर किसके अंदर इंक्लूड है? पोलराइजेशन के। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल का वीडियो नंबर टू। ओके, तो देखिए पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए अगर आपको ये पेज चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप ये पेज डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और देखिए हम जल्दी ही पीजी के लिए कुछ नया करने वाले हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पर थोड़े एक्टिव रहिए, क्योंकि जब भी हम पीजी की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले वहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।